नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भारत के सामने अगर यूक्रेन और रशिया का ऑप्शन रखा जाए तो भारत रशिया के साथ जाएगा, और इसके पीछे एक नहीं अनेकों वजह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत यूक्रेन के साथ अपने दुश्मनी को मोड़ ले। साथ में अगर बात किया जाए तो इसी महीने के 8 और 9 तारीख को पीएम मोदी रशिया में रहते हैं, जहां पे इनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया जाता है। इसी दौरान हमें ये भी रियलाइज होता है कि हमें किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना है कि हम यूक्रेन के अगेंस्ट हैं। और अगर बात किया जाए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं हुआ था, तब भारत यूक्रेन से खाने पीने का तेल और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता था। इसी बीच हमारे लिए ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली किस तरीके से रशियन मीडिया इसको दिखाते हैं, और वहां के एनालिस्ट किस तरीके से इस विजिट को इंटरप्रेट करते हैं। नॉर्मली जब किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। और साथ में अगर बात किया जाए कि किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट खास करके उस देश में जा रहे हैं जहां पे वॉर चल रहा, तो उसके पीछे और भी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी बीच ये खबरें आनी शुरू हो गई कि अगस्त 23 को पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। हालांकि इस डेट के बारे में अब तक ना ही तो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही तो यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस न्यूज को छापा जा रहा, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी अगस्त के महीने में यूक्रेन जाने वाले हैं। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी वॉर चल रहा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि भारत का स्टैंड आखिर में क्या है। तो नॉर्मली कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट या वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो भारत हर वक्त इसी बात पे फोकस करता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही पहला और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और एग्जैक्टली कुछ हमारा यही सोचना है रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके भी, जहां पे अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किए हैं, लेकिन इस बात पे जोर दिया गया है कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनका जो सबसे पहला फॉरेन विजिट होता है वो होता है इटली, जहां पे ये G7 समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी दौरान ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं, और उस वक्त भी पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बातें की जाती है, और साथ में इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जहां तक बात किया जाए यूएस का, यूक्रेन का या और भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज का, तो उन सभी को पता है कि भारत और रशिया के बीच में संबंध काफी अच्छे हैं, जहां पे भारत रशिया से ऑयल परचेस करता है और साथ में बढ़ चढ़कर डिफेंस इक्विपमेंट भी परचेस करता है। अगर हम बात करें खास करके डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में, तो साल 2014 से भारत के पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है, जहां पे हम यूएस हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया या और भी अलग अलग देशों से अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे हम दुनिया के अलग अलग बेहतरीन देशों के कंपनीज को भारत में इनवाइट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाएं और यहां की कंपनी के साथ आप पार्टनरशिप में काम करें। लेकिन एक बात बता दूं कि कोई भी देश कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसके देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी और देश में जाके लगे। ये सब प्रोसेस अपने आप में काफी लेंदी होते हैं और काफी टाइम टेकिंग होते हैं। इसी बीच अगर आप देखेंगे तो भारत का जो स्टैंड है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, ये हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। इसीलिए न्यूज में हमें ये देखने को मिला है कि भारत के बारे में ये कहा जा रहा कि अगर पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से अगर इफेक्टिव तरीके से बातचीत करेंगे तो हो सकता है इस वॉर को रोका जा सके। साथ में अगर आप अलग अलग एनालिस्ट की बात माने तो उनको ऐसा लगता है कि रशिया किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियली ये जारी नहीं करेगा जहां पे वो किसी भी तरीके से भारत के इस विजिट को क्रिटिसाइज करेगा। उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे वजह हैं। जो एक सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि जब 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनका जो सबसे पहला ऑफिशियल विजिट होता है वो चाइना होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो चाइना बढ़ चढ़कर रशिया को सपोर्ट किया है पॉसिबली हर तरीके से। और साथ में अगर हम बात करें रशिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड के बारे में, तो साल 2022-23 में इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ था वो लगभग कुछ 240 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के आसपास हुआ था। और अगर हम बात करें साल 2022-23 का भारत और रशिया के बीच में व्यापार का, तो ये लगभग कुछ 55 बिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ था। और साथ में मैं एक बात और भी याद दिला दूं कि भारत के पास क्षमता की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो इफेक्टिव तरीके से जो हम नियम कानून बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। और साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत अच्छे से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे तो यहां से कम हम 10 दुगुना कमा सकते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों के ऊपर अभी भी उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे जिस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना के बीच में जो संबंध है वो इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन साल 2013 से जब प्रेसिडेंट शी चाइना को संभालते हैं तब इनका जो सबसे पहला विजिट होता है वो रशिया होता है। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट शी और पुतिन दोनों को ये समझ में आ गया है कि ये किसी भी तरीके से इनके बीच में जो आपसी इश्यूज है अगर उसको ये साइड नहीं करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस इनको डोमिनेट करेंगे, और उस दौरान अगर ये किसी भी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे तो उनके लिए काफी आसान होगा इनको डोमिनेट करना। तो अगर हम आज की बात करें तो आज के डेट में रशिया और चाइना के बीच में जो संबंध है वो पहले से कहीं बेहतर है। जब पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रशिया पहुंचते हैं तो इसी बीच रशिया के द्वारा कुछ मिसाइल्स को दागे जाते हैं, उसमें से कुछ मिसाइल्स एक बच्चों का अस्पताल को जाके हिट करता है जहां के बारे में बताया जाता है कि कुछ 40 के आसपास लोग मारे जाते हैं, इसमें से कुछ बच्चे होते हैं कुछ औरतें होते हैं। और साथ में इसी टाइम पीरियड में नेटो का एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएस में, जहां पे ये प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से रशिया के साथ टैकल किया जाए। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में तो यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज कंप्लीट तरीके से यूक्रेन को अपना प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे इनको वेपन्स और पैसे भेजे जा रहे हैं और इनको वॉर में इंगेज रखा जा रहा, और साथ में ये भी अटेम्प्ट किया जा रहा है कि रशिया कमजोर पड़े। लेकिन जो आज का सिचुएशन है वो ये है कि रशिया कंप्लीट तरीके से कमांडिंग पोजीशन में है और इस वॉर में जो सबसे अधिक नुकसान हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को ही हो रहा। क्योंकि पीएम मोदी जब रशिया पहुंचते हैं तो उस वक्त बच्चों के अस्पताल पे कुछ मिसाइल्स दागे जाते हैं जहां पे कुछ लोगों की जान जाती है, तो इस एक्ट को लेकर भी भारत से ये उम्मीद किया जा रहा था कि पीएम मोदी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि व्लादिमीर पुतिन या रशिया को क्रिटिसाइज किया जा सके, लेकिन पीएम मोदी ऐसा नहीं करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही कसूरवार नहीं है बल्कि यूएस और भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज वो भी इक्वली कसूरवार हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी इसराइल गजा में अटैक कर रहा ये कहीं ज्यादा वर्स या कहीं ज्यादा ब्रूटल है जो अटैक रशिया कर रहा। और जहां तक बात किया जाए रशिया के इन्वेजन के बारे में तो बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी रशिया अपना फुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मोर और लेस अगर हम इस विजिट को समझना चाहें तो ये एक एक्ट ऑफ बैलेंस है जहां पे जुलाई के महीने में हम रशिया जाते हैं और अगस्त के महीने में हम कोशिश करते हैं कि यूक्रेन जाए और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा उसको एटलीस्ट हम कोशिश करें कि रोक दिया जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।